इन दिस वीडियो वी डिस्कसिंग अबाउट केमिकल यूज्ड इन एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क, जो कि पहला जो है प्लास्टो प्रूफ एंड जो दूसरा है रेक्रॉन फाइबर 6 mm प्लास्टो प्रूफ, ये जो है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल मिलेगा आपको और ये इसका 20 लीटर कैन मिलेगा। एक बैग सीमेंट में 100 ml का इसका डोज रहेगा। दूसरा जो है रेक्रॉन फाइबर, जो कि फाइबर फॉर्म में है, जो 6 mm उसका साइज जो रहता है, और जो येलो पैकेट दिख रहा है इसमें लगभग 150 पैकेट पाउच रहता है, तो ईच पाउच 90 ग्राम का रहता है। इसका रेट लगभग लोकली अवेलेबल मिलेगा आपको कि 30 rupees में। चलिए देखते हैं रेक्रॉन फाइबर साइड पे कैसा यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक घमेला या बकेट में है ना पानी लेकर जो फाइबर जो रहता है उसके अंदर पानी के अंदर डालना चाहिए। डाल के है ना अच्छी सी तरह उसको मिक्स कर लेना चाहिए, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। एक बार अच्छी सी तरह मिक्स होने के बाद जो मोटर हम प्लास्टर के लिए बनाए हैं उसके अंदर अच्छी सी तरह डाल दीजिए। इसी तरह जो प्लास्टो प्रूफ जो है वो भी 100 ml जार में मेज़र करके इस मोटर में डालना है। Thank you.